हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर फूड बहार चैनल। आज हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं भुने गोश्त की रेसिपी। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 700 ग्राम गोश्त। इसको हमने धो लिया है। आप चाहें तो गोश्त की जो क्वांटिटी है वो अपने हिसाब से कम बढ़ती कर सकते हैं। हमने लिए यहाँ पर 1.5 प्याज, इसको हमने कट कर लिया है, 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ हमने यहाँ पर लिए हैं सूखे मसाले, 1 चम्मच नमक लिया है हमने, तेज़ पत्ता, 1 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच हल्दी और साबुत गरम मसाले। इसमें जीरा है, लौंगे हैं, इलायची है और दालचीनी है, काली मिर्च है। 1 कप हमने यहाँ पर लिया है तेल, ये तेल जो है वो 100 ग्राम है लगभग। और इसी के साथ हमने यहाँ पर लिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसको हम लास्ट में डालेंगे। अब सबसे पहले एक बड़ा कुकर लेंगे, उसमें हम ये सारा गोश्त जो है डाल देंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज कटी हुई और अदरक लहसुन का पेस्ट। और उसके बाद हम ये सारे सूखे मसाले जो हमने लिए थे, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया, ये सब चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब इसमें हम डाल देंगे तेल। तेल डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 मग पानी। पानी हमें इस हिसाब से रखना है ताकि गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। पानी डालने के बाद इसको हम अच्छे से चला देंगे। और इसको चलाने के बाद इसको हम कुकर को बंद कर देंगे। इसमें हम लगाएंगे 2 या 3 सीटियाँ। तो देखिए इसमें 3 सीटियाँ आ चुकी हैं और गोश्त को भी हमने चेक कर लिया है, गोश्त जो है वो गल चुका है। इसको हम भून लेंगे। भूनना हमें इस तरह से है जब तक इसका मसाला और तेल अलग अलग ना हो जाए। तो देखिए गोश्त जो है भुनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करिए। तो भुना गोश्त बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसको चपाती रोटी के साथ में खा सकते हैं और तंदूरी रोटी के साथ में भी मज़े से खा सकते हैं। इसको हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और ऊपर से हम इसको हरे धनिया से गार्निश करेंगे। तो आज की हमारी भुना गोश्त की रेसिपी आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।